बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 यानी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हमने स्टार्ट किया हुआ था। अब इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने आईज यानी जो पहला रिसेप्टर्स था, ठीक है, अब आईज उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह हमने देख लिए थे। आज का जो लेक्चर होगा हमारा इधर से स्टार्ट होगा, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दी उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन मुस्लिम साइंटिस्ट था अली इब्न निसा। अली इब्न निसा का ड्यूरेशन था 950 से लेके 10112 यानी 10-12, ठीक है। अब अली इब्न निसा वाज ए फेमस अरब साइंटिस्ट। अब ये क्या है, फेमस अरब साइंटिस्ट था, ही रोट 3 बुक्स ऑन ऑप्थमोलॉजी। अब इसने क्या है कि 3 बुक्स लिखी किसके ऊपर, ऑप्थमोलॉजी के ऊपर, ठीक है। अब थी ये ऑप्थमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द डिजीज एंड सर्जरी ऑफ आईज, यानी स्टडी ऑफ डिजीज और उसके साथ साथ जो सर्जरी ऑफ द आईज यानी कि आंख की बीमारियां और उस आंख की जो सर्जरी कैसे पॉसिबल है उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑप्थल्मोलॉजी। ही डिस्क्राइब 130 आई डिजीज, इसने 130 आई डिजीज को डिस्क्राइब किया एंड प्रिस्क्राइब 143 ड्रग्स, और उसके साथ साथ इसने प्रिस्क्राइब किया 143 ड्रग्स को टू ट्रीट दीज डिजीज, के इन डिजीज को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, यानी 130 डिजीज के लिए 143 ड्रग्स को इसने पेश किया कि ये यानी ये 143 ड्रग्स कैसे इन 130 डिजीज को ट्रीट करती हैं, यानी इनका इलाज करती हैं। ये था अली इब्ने निसा, यानी इसने बुक्स दी और उसके साथ साथ डिजीज दी और इन डिजीज का ट्रीटमेंट दिया 143 ड्रग्स के जरिए। अब नेक्स्ट वन है इब्नुल हेशियम, ठीक है। इब्नुल हेशियम का ड्यूरेशन था कि इनकी जो पैदाइश थी 965 से लेके कि डेथ हुई 1039 यानी 1039 के अंदर। ये भी क्या था, एन अरब साइंटिस्ट। अब ये भी एक अरब साइंटिस्ट था, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई। अब इसने क्या है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पेश की किसके साथ, किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ आई के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ आई की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसने क्या है बनाई एंड वीएन, यानी इसने क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ आई और विजन की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है इसके जरिए आई, ठीक है, इसने बनाई किसकी, आईज की। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। अगर हम बात करें कि ये क्या है, फादर ऑफ ऑप्टिक्स है, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट। ये हम लाइट के बिहेवियर की जो स्टडी करेंगे उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिक्स कहेंगे। अब इसकी बुक थी बुक ऑफ ऑप्टिक्स। अब देखें हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन एंड प्रूव द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वीएन। अब बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर इसने एक्सप्लेन किया और प्रूव किया मॉडर्न थ्योरी ऑफ वीएन, ठीक है, यानी वीएन की मॉडर्न थ्योरी को इसने बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर एक्सप्लेन किया। ही डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी इन हिज बुक। अब इसने डिस्कस किया टॉपिक ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी किस बुक के अंदर, इस बुक के अंदर, यानी टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी को इसने डिस्कस किया बुक ऑफ ऑप्टिक्स के अंदर। ही मेड सेवरल इम्प्रूवमेंट टू आई सर्जरी एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस, ठीक है। अब इसने क्या है बनाई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किसके लिए, आई सर्जरी के लिए, और उसके साथ साथ एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब किन किन प्रोसेस को किया, साइट को किया, द स्ट्रक्चर ऑफ आई और उसके साथ स्ट्रक्चर ऑफ आई को किया, इमेज फॉर्मेशन इन आई एंड विजुअल सिस्टम, इन तमाम को इसने एक्यूरेटली क्या है डिस्क्राइब किया, यानी स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ साइट, द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन इन आई, आई के अंदर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, एंड विजुअल सिस्टम और उसके साथ साथ विजुअल सिस्टम। इब्नुल हेशिम आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। अब इसने और क्या किया कि डिस्क्राइब किया कि तमाम प्रिंसिपल डिस्क्राइब किए किसके, पिन होल कैमरा के, पिन होल कैमरा के जो प्रिंसिपल है ये किसने डिस्क्राइब किए, इब्नुल हेशिम ने, ठीक है। अब हमने कहा था कि फर्स्ट वन जो हमने रिसेप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था, अब नेक्स्ट वन है एयर, ठीक है। अब एयर को हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, यानी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। हेयरिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज विजन। अब क्या है कि हेयरिंग भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्या है, विजन है, ठीक है। सुनना भी एक इम्पोर्टेंट क्या है, विजन है। आवर एयर हेल्प अस इन हेयरिंग, हमारे जो एयर हैं, कान हैं, ये हेल्प करते हैं हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए, एंड आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, और उसके साथ साथ ये मेंटेन करते हैं
क्या मेंटेन करेंगे बैलेंस और इक्विलिब्रियम को, किसके हमारी बॉडी को। एयर हैज थ्री मेन पार्ट्स। अब एयर के क्या है, तीन मेन पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल एयर, मिडिल एयर एंड इंटरनल एयर। ठीक है, अब एयर के तीन मेन पार्ट हैं, एक्सटर्नल एयर है, मिडिल एयर है, इंटरनल एयर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एयर। अब एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट ऑफ पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड एयर ड्रम, जिसको हम टेपानम भी कहेंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट होते हैं पिन्ना के ऊपर, ऑडिटरी कैनाल यानी एयर कैनाल और एयर ड्रम। ठीक है, अब इन तीनों के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल एयर है। एयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, टाइपनम। ठीक है, अब पिन्ना इज द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट। अब पिन्ना क्या है, एक ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। अब किसके जरिए बना होता है, कार्टिलेज के जरिए बना होता है, और उसके साथ साथ कवर होगा किसके साथ, स्किन के साथ। इट हेल्प्स टू डायरेक्ट साउंड वेव्स इनटू ऑडिटरी कैनाल। अब इसने हेल्प करना है कि डायरेक्ट साउंड वेव को किसके अंदर, ऑडिटरी कैनाल्स के अंदर। ठीक है, अब ये था एक्सटर्नल एयर यानी पिन्ना, एयर ड्रम और एयर ड्रम इसके पार्ट है। ठीक है, देयर आर स्पेशल ग्लैंड इन द वॉल्स ऑफ ऑडिटरी कैनाल। अब अगर हम बात करें ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल ग्लैंड होंगे विच प्रोड्यूस वैक्सेस। ठीक है, जिन्होंने क्या है, वैक्स प्रोड्यूस करनी है। द वैक्स एंड द हेयर्स इन ऑडिटरी कैनाल प्रोटेक्ट एयर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। अब ये जो ऑडिटरी कैनाल के अंदर क्या है, वैक्स होगी और उसके साथ साथ हेयर्स होंगे, ये प्रोटेक्ट करते हैं स्मॉल इंसेक्ट्स से और उसके साथ साथ जर्म से यानी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और वायरस से और उसके साथ साथ डस्ट से। ठीक है, ये जो हमने बात की है, ये एयर कैनाल है, इसके अंदर क्या होंगे, इसने वैक्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें हेयर्स होंगे, इन्होंने प्रोटेक्ट करना है किस से, स्मॉल इंसेक्ट से, जर्म से और उसके साथ साथ डस्ट से। डस्ट वगैरह आएगी तो हेयर्स के अंदर क्या है, ट्रैप कर जाएगी। इन एडिशन टू दिस, दे हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। अब अगर हम बात करें कि अगर और उसके साथ साथ ये मेंटेन करती है टेम्परेचर और डैम्पनेस किसकी, ठीक है, नमी किसके अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर। अब वैक्स ने ये तमाम किया है, वैक्स एंड द हेयर। अब वैक्स क्या करती है, वैक्स और हेयर इनसे तमाम से क्या है, प्रोटेक्ट करती है एयर कैनाल को, और उसके साथ साथ इनका एडिशन फंक्शन क्या है कि मेंटेन करती है टेम्परेचर को और उसके साथ साथ नमी को, किसके के अंदर, ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन एयर ड्रम। अब ऑडिटरी कैनाल एंड होती है किसके ऊपर, एयर ड्रम के ऊपर। ये एयर ड्रम के ऊपर जो है ऑडिटरी कैनाल यानी एयर कैनाल एंड हो जाती है। ठीक है, अब दिस थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स एक्सटर्नल एयर फ्रॉम मिडल एयर। अब एयर ड्रम जो थिन मेम्ब्रेन, ये सेपरेट करती है एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से। ठीक है, अब एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से कौन एंड करता है, यानी ये जो थिन मेम्ब्रेन है एयर ड्रम। अब मिडल एयर देखिए, मिडल एयर इज ए चैम्बर आफ्टर एक्सटर्नल एयर। अब एक्सटर्नल एयर के बाद एक चैम्बर आता है जिसको क्या कहेंगे, मिडल एयर कहेंगे। अब इसके अंदर थ्री स्मॉल बोन्स कॉल्ड मिडल एयर ओसिकल्स। इसके अंदर ये तीन स्मॉल बोन्स होंगी जिनको मिडल एयर ओसिकल्स कहेंगे, आर प्रेजेंट इन चेन इन मिडल एयर। और ये प्रेजेंट होंगी इन चेन के, इन द फॉर्म ऑफ चेन किसके अंदर, मिडल एयर के अंदर। दीस मूवेबल बोन्स, अब ये जो मूवेबल बोन इंक्लूड है मेलियस, इंकस एंड स्टेपर्स। ठीक है, अब ये तीन मूवेबल बोन्स जो है ये कौन कौन सी है, मेलियस, इंकस और स्टेपस। ये किसके अंदर, ये है मिडल एयर्स के अंदर। मेलियस इज अटैच विद एयर ड्रम। ठीक है, अब मेलियस अटैच होगी किसके साथ, एयर ड्रम के साथ। देन कम्स इंकस एंड फाइनली स्टेपस। ठीक है, अब मेलियस अटैच होगी एयर ड्रम के साथ, फिर उसके साथ साथ इंकस एंड फाइनली स्टेपस, दैट इज कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल मेम्ब्रेन। देखे, मेलियस अटैच विद एयर ड्रम, देन कम्स, ठीक है, इंकस एंड फिर उसके साथ साथ इंकस के साथ एंड फाइनली स्टेपस। ठीक है, और आखिर में स्टेपस के साथ, दैट इज कनेक्टेड विद ए मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो, जो कनेक्ट करेगी किस मेम्ब्रेन के साथ, ओवल विंडो के साथ। ये पड़ा हुआ है क्या है, ओवल विंडो। ठीक है, मेलियस, इंकस और स्टेपस। ये मेलियस देखें इसके साथ अटैच है, ठीक है, एयर ड्रम के साथ अटैच है, फिर उसके साथ साथ इंकस के साथ अटैच है, फिर ये इंकस किसके साथ अटैच है, स्टेपस के साथ, ये स्टेपस किसके साथ अटैच है, ओवल विंडो के साथ। ठीक है,
ओवल विंडो सेपरेट्स मिडिल एयर फ्रॉम इनर एयर. अब ओवल विंडो सेपरेट करता है मिडिल एयर को इनर एयर के साथ. मिडिल एयर आल्सो कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी थ्रू अ स्टीचियन ट्यूब्यूल. अब जो जो मिडिल एयर कम्युनिकेट करता है किसके साथ? नेजल कैविटी के साथ, लेकिन करेगा किसके जरिए? यूस्टिचियन ट्यूब के जरिए. ठीक है, अब ये पड़ी हुई है यूस्टिचियन ट्यूब. ये मिडिल एयर, ठीक है, नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है किसके जरिए? यूस्टिचियन ट्यूब के जरिए. ठीक है, यूस्टिचियन ट्यूब के जरिए मिडिल एयर नेजल कैविटी के साथ क्या है? कम्युनिकेट करेगा. दिस ट्यूब रेगुलेट द प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम. अब ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या रेगुलेट करती हैं? प्रेशर को किसके? बोथ साइड ऑफ एयर ड्रम. एयर ड्रम के दोनों साइड्स के ऊपर क्या है ये ट्यूब? क्या है? रेगुलेट करेगी प्रेशर को. ठीक है, ये था मिडिल एयर का जो हमने देखा. अब उसके साथ साथ है थर्ड वन, यानी इनर एयर. ठीक है, इनर एयर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. अब इनर एयर के तीन पार्ट्स होंगे, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड कॉकलिया. अब वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल और कॉकलिया, इनको हम देख लेते हैं. वेस्टिब्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर एयर. अब वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होगी इन द सेंटर ऑफ इनर एयर. देखें ये पड़ी हुई है नर्व फ्रॉम वेस्टिब्यूल. ठीक है, वेस्टिब्यूल. अब इन द सेंटर देखें ये वेस्टिब्यूल क्या है. अब वेस्टिब्यूल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ इनर एयर. इनर एयर के सेंटर के अंदर वेस्टिब्यूल है. थ्री कनाल कॉल्ड सेमी सर्कुलर कनाल और पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल. अब सेमी सर्कुलर कनाल क्या है? पोस्टीरियर है. ये देखें सेमी सर्कुलर कनाल ये पोस्टीरियर है वेस्टिब्यूल के, यानी ऊपर वाली साइड पे है. ठीक है, अब ये जो सेमी सर्कुलर कनाल है वेस्टिब्यूल है किसके? पोस्टीरियर है किसके? वेस्टिब्यूल के. थ्री कनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कनाल आर पोस्टीरियर टू द वेस्टिब्यूल. द कॉकलिया इज मेड ऑफ थ्री डक्ट्स. अब कॉकलिया ने तीन डक्ट्स बनानी है एंड रैप इटसेल्फ इनटू ए कॉइल ट्यूब. और उसके साथ साथ इसने रैप करना है इटसेल्फ और फॉर्म क्या करना है? कॉइल ट्यूब्यूल्स. ठीक है, अब ये देखें कॉकलिया, इसने थ्री डक्ट्स बनाई हुई है, ये कॉकलिया है और रैप किया हुआ है इसने अपने इर्द गिर्द. देखे ये कॉकलिया है. अब इसने थ्री लेयर्स बनाई है और रैप होके इसने क्या किया है? और देखें डक्ट्स एंड रैप इट्स और रैप होके इसने कॉइल ट्यूब्यूल बनाई. देखें कॉकलिया थ्री डक्ट से मिलकर बनी है और उसके साथ साथ ये रैप है और रैप होके इसने क्या बनाया? कॉइल ट्यूब बनाई है. साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडिल डक्ट ऑफ कॉकलिया. अगर हम बात करें साउंड रिसेप्टर सेल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? अब साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द मिडिल डक्ट ऑफ कॉकलिया. अब साउंड रिसेप्टर सेल्स मिडिल डक्ट ऑफ कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, ये जो हमने तमाम बातें की है ये हमने क्या किया? एक्सटर्नल एयर है, ये इसका पिन्ना है, ये कनाल है, ये एयर ड्रम है. एयर ड्रम इनर यानी ये एक्सटर्नल एयर को मिडिल एयर के साथ से सेपरेट करता है. अब मिडिल एयर के अंदर क्या है कि तीन बोन्स हैं, मेरियस, इंकस और स्टेपस. मेरियस इंकस के साथ अटैच है, इंकस स्टेपस के साथ अटैच है. अब ये जो स्टेपस है ओवल विंडो, ठीक है, ये ओवल विंडो के साथ अटैच है. ओवल विंडो इनर एयर को मिडिल एयर से सेपरेट करता है, लेकिन मिडल इनर एयर के अंदर क्या है? इसके तीन पोर्शन है. वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल इसका दरमियान वाला इनर का पोर्शन है, इसका पोस्टीरियर एंड क्या है? सेमी सर्कुलर कनाल है. इसके इंटीरियर एंड के अंदर कॉकलिया है. कॉकलिया की थ्री लेयर्स हैं, ये थ्री लेयर्स कॉइल अराउंड होती हैं, यानी एक दूसरे के गिर्द गिर्द कॉइल अराउंड होंगी, यानी टर्न करेंगी. टर्न करने के बाद इन्होंने क्या है? कॉइल ट्यूब बनानी है. ठीक है, ये था टोटली आज का लेक्चर. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी. ओके, थैंक यू.